बागी के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने कर ली अपनी हीरोइन पसंद। देखिए कैसे बागी 4 की कास्टिंग में अचानक आया है ये नया ट्विस्ट। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ में अनुष्का त्यागी। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को, और ऐसे ही सुपर इंटरेस्टिंग खबरों को रोज सुनने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं हाल ही में अनाउंस की गई अपकमिंग फिल्म बागी 4 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि बागी बॉलीवुड की एक सुपरहिट एक्शन फ्रेंचाइज है जिसकी सभी इंस्टॉलमेंट्स को सक्सेस हासिल हुई है। ये बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन हाउस नाडियावाला ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट की फ्रेंचाइजी है। दोस्तों बागी फ्रेंचाइजी से ही एक्टर टाइगर श्रॉफ को फेम मिला और आज वो इंडस्ट्री के सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। ये तो हुई इस फिल्म की अनाउंसमेंट की बात, अब करते हैं बी टाउन में चल रही उस इंटरेस्टिंग खबर की जिसने आजकल काफी अटेंशन बटोर रखा है। जी हाँ दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर कैसे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी के बीच आ गई है बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस सारा अली खान। दोस्तों ये बात अब किसी से नहीं छुपी है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी एक दूसरे के बेहद क्लोज हैं। वो अक्सर साथ नजर आते रहते हैं और कुछ ही दिनों पहले दोनों ने साथ में मालदीव्स में अपना वेकेशन भी इंजॉय किया था। और तो और दोस्तों दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन भी काफी रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है। बता दें दोस्तों कि फिल्म बागी 2 जो कि बागी फ्रेंचाइज की ही एक सबसे बड़ी हिट फिल्म है, उसमें टाइगर और दिशा को एक साथ काफी पसंद किया गया था। और दोस्तों खबरों के मुताबिक फिल्म बागी 4 में भी टाइगर के ऑपोजिट दिशा ही कास्ट होने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट पर आ गया एक जबरदस्त ट्विस्ट जिसने दिशा के बागी 4 के सफर पर लगा दिया है फुल स्टॉप। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि बागी फ्रेंचाइज के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के रिलेशंस सारा अली खान के साथ काफी अच्छे रहे हैं। यही रीजन था कि जैसे ही सारा ने अपने सुपरहिट फिल्म सिम्बा की शूटिंग खत्म की थी, साजिद ने उन्हें अपनी फिल्म हीरोपंती 2 में टाइगर के साथ ही कास्ट करने का मन बना लिया था। लेकिन दोस्तों अचानक सारा ड्रग कॉन्ट्रोवर्सीज से घिर गई और बात आगे नहीं बढ़ पाई। पर अब जबकि सब कुछ ठीक है, साजिद के क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि उन्होंने सारा को अपनी दूसरी अपकमिंग फिल्म बागी 4 में कास्ट करने का मन बना लिया है। और दोस्तों बॉलीवुड एनालिसिस की माने तो उस पॉपुलर र्यूमर्स को सच बनाने में सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज बची हैं। अब दोस्तों बॉलीवुड की दुनिया है इतनी खास, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि फिल्म की रिलीज से पहले भी हमें बहुत से ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप साजिद नाडियावाला के डिसीजन से अग्री करते हैं या नहीं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज।